तो यार दोस्तों देखो, मैं पहुंच चुका हूं। हम तो और ले हैं दीवा। तो यार मंदिर में मैं पहुंच चुका हूं और इस वक्त चल रहा है मंदिर में भोजन। ऐसे होते हैं तरोड़ा को ना, उसका क्या है, सब्जी बनती है इसकी। देख बाकी सामने भी घर दिख रहे हैं, यहाँ पे भी घर दिख रहा है पाथर वाला, और यहाँ पर भी जो है पाथर वाला घर दिख रहा है। सो हेलो इंटरनेट, आ गए हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप आप लोग सभी मस्त होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और 10 बज चुके हैं, ब्लॉग की शुरुआत अभी हो रही है और नहाना धोना मेरा सब कुछ हो गया है, बस नाश्ता चल रहा है अभी। बाकी मौसम भी आज क्लियर है। और भाई जो है वो मंदिर गया हुआ है, और हिमालय आपको मैं दिखाऊं आज। देखो ये देखो, पूरा वाइट दिख रहा है, एकदम बर्फबारी हो रखी है पहाड़ों में। और दोस्तों नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं निकल पड़ रहा हूँ निमंत्रण में। आज गणेश पूजन है, गांव पे ही है, तो वहीं जा रहा हूँ मैं अभी। और दूसरी तरफ भाई जा गया है मंदिर में, मंदिर का तो काम तो कंटिन्यू ही चल रहा है, और मैं जा रहा हूँ निमंत्रण में। तो यार दोस्तों देखो, मैं पहुंच चुका हूँ। हम और तेरे हैं दीवाने तू माने। क्या हो रहा भाई है? बाकी यहाँ पे मेरे को सब्जी चढ़ वब्जी काट लिया रहे हैं, और पंडित जी जो हैं आगे पे खाना आना बना रहे हैं। ये देखो पंडित जी। तो यार दोस्तों, खाना आना खाने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ मंदिर को, और पैदल पैदल जा रहा हूँ मैं अभी ऊपर जाने चढ़ाई पे। वहाँ भी काम चल रखा है, बस कुछ दिन बाकी हैं, तो मैंने सोचा घर पे रहने से अच्छा है थोड़ा बहुत मंदिर पे लग जाऊँ और निकल पड़ूँ मंदिर को, अपना भी सहयोग हो जाएगा करके। अब मौसम कुछ ऐसा हो चुका है, देख सकते हो। सौक्योड़ा पे मैं पहुंचा हूँ। देखो मैं मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंच चुका हूँ। यहाँ से आप सीधे रास्ता है ऊपर को, सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ। और कल जो है सीढ़ियों की सफाई चल रही थी, इसलिए आज सीढ़ियाँ थोड़े बहुत साफ हो चुके हैं देखो। और लाइटिंग का भी काम हो चुका है यहाँ पे, तार आर जो है वो बिछ चुका है। अब आगे एक दो दिन में, कल या परसों में, मतलब टेंट वेंट भी लग जाएगा। तो यार मंदिर में मैं पहुंच चुका हूँ, और इस वक्त चल रहा है मंदिर में भोजन पानी चल रहा है, ये देख सकते हो। तो सामने पे जो है मंडप बनने की तैयारी हो रही है, जहाँ पे हमारे भागवत की कथा सुनाई जाएगी। और बाकी हम लोग जो हैं देखो सफाई का काम कर रहे हैं, ये पूरा साफ करना है, काफ़ी गंदा हो रखा है, तो यही काम कर रहे हैं। बाकी और लोग भी लगे पड़े हैं काम पे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, देख सकते हो अभी मैं इस वक्त हूँ बास्ती गांव में, जो कि मेरा एक ननिहाल है। और यहाँ मैं आ जा रहा था, तो मम्मी के साथ में आया हुआ था यहाँ पे। तो अभी देखो व्यूज़ देखो आप, कितना अच्छा व्यू हो रहा है। मॉर्निंग मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, और नज़ारा कितना अच्छा देखने को मिल रहा है यार। वैसे तो मैं कल रात को, कल शाम के टाइम पे पहुंच चुका था यहाँ, कल शाम को आ गया था मैं यहाँ, क्योंकि थोड़े बहुत अम्मा की जो थी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मुलाकात करने के लिए आ गया था। और अब मैं जा रहा हूँ मामा के वहाँ, उधर मामा रहते हैं, बड़े बड़े मामा उधर रहते हैं, छोटे मामा इधर रहते हैं, बड़े मामा उधर को रहते हैं, तो वहीं जा रहा हूँ अभी मिलने के लिए। कल सुबह कल शाम को मैं मिल लिया था, अभी और दोबारा जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ से मैं निकलूँगा घर को। तो यार फाइनली मैं हूँ मामा लोगों के वहाँ पहुँच चुका हूँ। और देखो मामा ने जो है ना तरोड़ तरोड़ खोद रखा है यहाँ पर। देखो ये देखो तरोड़ ऐसे होते हैं, तरोड़ा को ना उसका क्या है, सब्जी बनती है इसकी। देखो और जो इसकी ये खोदे जाते हैं ना, शिव जी को चढ़ावा होता है ना, है ये देखो इतने बड़े बड़े हैं तरोड़। देखो ये इतने बड़े बड़े खोद के निकाल रखे हैं, जैसे इस खेत में अगर उपजाऊ करे तो वो काफ़ी गहराई में जाते हैं, फिर यहाँ से खोद रखा है देखो, नीचे से गड्ढा वाड़ के खोद रखा है। बाकी देख सकते हो मामा जो है काम पे लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे ये देखो मामा काम में लगा है, पर दुबो जा कर दे तो बना टी है ना। तो यार यहाँ से जो है ना बास्ती का पूरा एकदम सुंदर सा दृश्य दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ कितना प्यारा सा गांव है बास्ती का।
और देखो ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है आपको, एकदम क्लियर दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। देखो ये देखो, ये देख सकता हूँ कितना प्यारा दिख रहा है। बाकी सामने भी घर दिख रहे हैं, यहाँ पे भी घर दिख रहा है पाथर वाला, और यहाँ पर भी जो है पाथर वाला घर दिख रहा है। लेकिन आजकल के टाइम पे जो है पाथर के घर बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। आजकल जो भी घर बना रहे हैं पूरा लेंटर वाला घर बना रहे हैं, जैसे उसके बगल में आप देख रहे हो लेंटर के घर दिख रहे हैं, और कहीं कहीं आपको लेंटर के घर दिख रहे हैं। अब बहुत कम ऐसे घर देखने को मिल रहे हैं जो कि पुरानी पुराने टाइप के जो घर हैं वो कम दिखने को मिल रहे हैं। देखो देखो धूप भी आ चुकी है, और गाय बच्चे को देखो, ये बछड़ी है तो इसको उड़ा रखा है, देखो ठंडा ना लगे करके पुराने कपड़े से इसको ढक रखा है। और बाकी यहाँ को आपको दिखाऊं, ये छन बना रखा है, वैसे तो छन कहते हैं इसको, मतलब यहाँ जो है जैसे सूखी लकड़ियाँ हैं, सूखी घास है, तो इसको स्टोर करने के लिए बरसात के टाइम पे तो ऐसा कुछ बनाया जाता है। बाकी यहाँ पे लूटे उटे रखे हैं, और भी मामा ने जो है खेती बाड़ी काफ़ी कर रखी है, नीचे को धनिया वनिया लहसुन वहसुन लगा रखा है। और आगे को मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ को भी देखो प्याज व्याज लगा रखा है, गोभियाँ वो भी लगा रखे हैं, तो काफ़ी सब्जी वब्जी उपजाऊ बना रखी है। और बाकी मौसम भी सही है, यहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा है, अच्छी खेती बाड़ी होती है यहाँ को। अब जो है मामा यहाँ पर देखो ये खोद रहे हैं, तरुड़ खोद रहे हैं, बट चूहों का आतंक ज़्यादा है, इसलिए चूहों ने जो है सारी बर्बादी कर दिया, खोद खोद कर जो है तरुड़ जो है खा लिए हैं। फिर भी देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है करके। तो मम्मी जो है अब हम लोग जा रहे हैं, अब तो देर पूजन होती है, एक रस्म होती है कि जब भी मायका आते हैं तो जाते वक्त जो है देर की रस्म है, जो पूजा जाते हैं देर को। देखो मामा ने जो भी तरुड़ खोदा हुआ था वो अब कट्टे में भर रहे हैं और बेचने के लिए ले जा रहे हैं। कल जो है शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि में जो भगवान को भोग लगाया जाता है वो तरुड़ का ही लगाया जाता है, और भोलेनाथ का जो प्रिय फल है वो है तरुड़। तो निकल पड़े हम लोग, और यहाँ से जो है मूली लेके जा रहे हैं हम लोग। और देखो सामने पे जो है काम पे लगा हुआ है, घर बन रहा है मकान में। आजकल तो वैसे पत्थरों का काम बहुत कम चलता है घरों पे, फिर भी पत्थरों का बन रहा है घर, जो कि मजबूत माना जाता है काफ़ी। तो दोस्तों फाइनली जो हूँ मैं बास्ती से घर पहुँच चुका हूँ, और आज मौसम में यहाँ थोड़ा बदलाव है, कल महाशिवरात्रि भी है, मौसम थोड़ा चेंज हो रखा है, कल पता नहीं बारिश होती है क्या होती है, और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है।